शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सपने तो बहुत भयंकर देखती है तू डाकिनी, पर जब तू ही नहीं रहेगी तो ये स्वप्न पूरा कैसे होगा? रानी माँ कहाँ चली गई? लगता है उस आफत को मारकर अपने कक्ष में गई होंगी। वहीं जाकर देखती हूँ। जब तक मैं इस सुरक्षा कवच में हूँ तब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी डाकिनी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तू मेरा विनाश करना चाहती थी ना? पर ये तो बर्बाद हो गया। मुझे दिव्य लेप लगाने की तेरी इज्जत के कारण, देख तू अपने सुरक्षा चक्र से बाहर आ गई है। अम्बे माँ, मेरी मदद करो। कर ले, अपनी अम्बे माँ को मरने से पहले याद कर ले और बता उनको कि तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। हे अम्बे माँ, आज मेरी जान क्यों ना चली जाए पर मैं उन निर्दोष गांव वालों को मरने नहीं दूंगी। महारानी साहिब कहाँ हैं? इतनी देर हो गई, हवन कब आरंभ होगा? माँ अब तक क्यों नहीं आई? अब पता नहीं है दुर्गा प्रसाद और कनक भी कहाँ रह गए।
स्वराज। मासी जल्दी आइए, मैं अब और अधिक देर तक अधिराज को नहीं रोक पाऊंगा। देख इस त्रिशूल को डाकिनी, इस पर दिव्य चंदन लगा है। अगर इस त्रिशूल ने तुझे छू भी लिया ना, तो तू चल कर भस्म हो जाएगी। परेशानी का विषय, हम समझा कर देखते हैं। नानी ये हो क्या रहा है? ये अंबिका रक्षा करना। लगता है मासी खतरे में है, अब मैं क्या करूं? बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें तो गर्व होना चाहिए स्वयं पर। आज जो इस बुराई का अंत हुआ है, ईश्वर ने उसका माध्यम तुम्हें चुना। पर मैं अधिराज को क्या समझाऊंगी माँ, क्या कहूंगी उनसे? कहना क्या है, जब युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच होता है, सत्य और असत्य के बीच होता है, जब जीत सत्य सच्चाई और अच्छाई की होती है, और इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा। और तुम्हें तो केवल अपना पात्र निभाया है, खेल रचने वाला तो कोई और है। मुझे अधिराज को जाकर सब कुछ बताना होगा कि डाकिनी का अंत हो चुका है।